हमारे साथ है कुमार जयंत, जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। सर, हम देख रहे हैं कि अभी चेन्नई और आसपास के जो शहरें हैं वहाँ पे बहुत ही तेज़ी तरीके से बारिश हो रही है, और अभी का स्थिति क्या है और कैसे मेजर्स ले रहे हैं आप लोग? चेन्नई में पूरे नवंबर में मिलाकर अब करीब करीब 1000 mm 100 cm बारिश हो चुकी है, जो चेन्नई के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अभी तक के जो 200 साल से जब से रिकॉर्ड शुरू हुए हैं तब से इतनी, इससे ज़्यादा बारिश सिर्फ 4 बार हुई है, उसमें 2015 की बारिश भी शामिल है जब भयंकर बाढ़ आई थी और काफ़ी सारे एरिया डूब गए थे। अभी अगर आज भी फिर से बारिश होगी जैसा कि प्रेडिक्शन है, तब शायद हम लोग 2015 का आंकड़ा भी पार कर जाएं, और अगर कल भी बारिश हो गई, जो कि फिर प्रेडिक्शन है कि 29-30 तक बारिश होगी, तो हो सकता है कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। तो हमारा सारा जो मैनेजमेंट है, कैसे हम लोग निपट रहे हैं, वो उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हम लोगों का कितनी बारिश हुई है। और ये चौथा स्पेल है पिछले 10 दिनों में, चौथी बार जमकर बारिश हुई है। तो जितने भी नदी नाले और ड्रेनेज हैं और जो खेती के और पीने के पानी के बांध हैं, रिजर्वायर्स हैं, सब भरे हुए हैं, और जितना भी ज़मीन है वो सारा सैचुरेटेड है। तो वाटर का जो पानी का ज़मीन में परकोलेशन होता है वो भी नहीं हो रहा है, इसीलिए जो भी बारिश होती है वो रोड के ऊपर और जो हमारा ड्रेन्स है उसके ऊपर जा रही है। तो पिछले बार के एक्सपीरियंस से देखकर हम लोगों ने पंप रखा है कि कहाँ कहाँ रहना चाहिए। अभी भी 200 जगहों पे पंपिंग हो रही है, और हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी पानी बह रहा है वो बिना किसी बाधा के बहता रहे, सो जिससे कि जितना कैपेसिटी है वो पूरा यूज़ हो और जल्दी से पानी ड्रेन हो जाए। सर, हम देख रहे हैं कि कई सारे जगहों पे आपने बोला कि बहुत सारे जगह पे पानी के वजह से डूबा गया है, और यहाँ पे कितने जगह ऐसे हैं कि पानी भरा हुआ है और कितने मोटर पंप्स आपने लगा दिया है? अभी करीब 210 जगहों पे पानी भरा था, 210 लोकेलिटी पे, उसमें से 30 पे खाली हो गया है। अब टोटल बाकी जगहों पे मिला के करीब 200 पंप लगे हुए हैं, और हमारे पास 300 और तैयार हैं कि अगर और बारिश हुई और कहीं और पानी आया तो उसमें भी पंप करेंगे। अभी पिछले 4 घंटों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो चेन्नई के चारों तरफ तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट में बारिश हुआ है, उसका पानी अब नदी नालों के तौर है इसमें आ रहा है चेन्नई में, और सबको बकिंगम कैनाल में जाकर ड्रेन करना पड़ता है समुद्र में। तो वहाँ पे थोड़ा वाटर स्टैग्नेशन होता है, पानी जमा हो जाता है, क्योंकि जो अंतिम समुद्र के पास आता है तो वहाँ की लोकेलिटीज़ समुद्र के लेवल से भी नीचे हैं। तो जब तक सारा पानी बहकर समुद्र में नहीं जाएगा तब तक वहाँ से पंप करने पर भी पानी खाली नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं और से भी पानी आएगा तो वो वहीं जमा होगा। उसके चलते प्रॉब्लम है। आप लोगों से क्या कहने चाहते हैं सर, क्योंकि लो लाइंग एरियाज में कई सारे लोग डिफिकल्टीज में हैं, तो लोगों से क्या कहना है अभी? एक तो ये कि हमारा अगर कहीं भी ज़्यादा दिक्कत है कि घर पे रहना मुश्किल हो रहा है, तो हमारे यहाँ रिलीफ कैंप हैं हर जगह, हमारे चेन्नई कॉरपोरेशन की तरफ से कई रिलीफ कैंप खोले हुए हैं, तो जिनको भी दिक्कत है वो जा सकते हैं। अगर घर में घर छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ अलग से फूड कैंप रहता है, और खाना भी डिलीवरी करवा रहे हैं हम लोग, पानी और दूध, ये सब सारे हमारे कॉरपोरेशन की टीम और कलेक्टर्स की टीम देती है, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यही है कि अगर घर में पानी आने की नौबत आती है तो अपना रिकॉर्ड्स और सामान वो लोग ऊपर रख सकते हैं, तो अपने या तो पड़ोसी के पास या घर में ही ऊपर, तो वो सावधानी घर के अंदर रहने वाले लोगों को ही बरतनी होगी। और जिस जिस एरिया में पानी है, रोड में पानी आ रहा है, वहाँ पर अगर अत्यावश्यक नहीं है तो अभी नहीं आए। सब सैटरडे संडे है तो 2 दिन बारिश के टाइम पे रोड पे अगर ज़रूरी नहीं है तो नहीं आए तो अच्छा रहेगा। और सर, कितने लोग हैं अभी रिलीफ कैंप में यहाँ पे? अभी टोटल पूरे स्टेट में 11,000 लोग रिलीफ कैंप में हैं। बट यहाँ पे चेन्नई में क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग रिलीफ कैंप में आना नहीं चाहते हैं, तो बट हम लोग उन लोगों को खाना पहुँचाते हैं या वो आकर खा कर चले जाते हैं, क्योंकि घर बंद करके बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं अगर घर में कुछ पानी है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में थोड़ा भी पानी होने पे बहुत दिक्कत होती है, खाना पका नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, तो वो हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। हमने अभी सुना कि यहाँ पे तमिलनाडु में जहाँ पे भी पानी की वजह से जो भी तकलीफें हैं, वो रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स सारे तैयारियाँ करके पानी को निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन डैनियल के साथ अक्षयानाथ, आज तक।